बैटिंग पाकिस्तान की अच्छी हम मानते हैं, किंतु यहाँ पे पता है हमारा कुलदीप यादव जो बॉलिंग करे, कल देखे होंगे अच्छा बॉल, बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। नवाज क्यों ना ऑलराउंडर है, तब भी बाबर पता नहीं क्या सोच रहा है, पता नहीं चल रहा। शादाब है, शादाब तो खाली फुल टॉस। नवाज क्या उसका नाम, कल उसामा को बोला चलो भाई उसामा को ट्राई करा, फुल टॉस। अब बार को ट्राई करना चाहिए, इब्राहिम को नहीं करेगा बाबर, बाबर तो बोलता है उसको नहीं खिलाना, मेरे को नहीं चाहिए बाबर को। हसन अली की वजह क्या, देखिए सर हसन अली की वजह क्या, जो नहीं जानते मैं अच्छे से डिप्लोमेटिक, हसन अली को आने की वजह यह है कि पाकिस्तान का वो चौथा पांचवा बैकअप था, पाकिस्तान का फर्स्ट बैकअप इहसानुल्लाह वो भी इंजर्ड था, पाकिस्तान का सेकंड बैकअप ये हसनैन वो भी इंजर्ड था, नसीम शाह तो सबसे बड़ा बॉलर है आपका, नसीम शाह पाकिस्तान का एक सबसे कंप्लीट बॉलर है, वो साइंस से ही बड़ा बॉलर। सॉरी सर, गुड इवनिंग फ्रॉम कोलकाता ईडन गार्डन ग्राउंड से मैं हूं अब्बास शबीर, आपसे मुखातिब हूं। एक ज़बरदस्त वेन्यू है जहां पर कल पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ अपना मैच खेलेगा। पाकिस्तान ऑलरेडी वर्ल्ड कप से तो आउट हो चुका है, लेकिन फिर भी एक फॉर्मेलिटी है वर्ल्ड कप की, पाकिस्तान ने अपने सारे मैचेस जीतने हैं। इफ़ एंड बट्स पर अगर पाकिस्तान शायद मैं फिर बार बार कहता हूँ कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी क्रिकेट है कि शायद सेमीफाइनल में पहुँच जाए, लेकिन बहुत नामुमकिन बात है। तो इसलिए इन मैचेस के अंदर कोई इतना मज़ा नहीं है, ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी है जो कि पूरी की जा रही है। और पाकिस्तान की टीम अभी प्रैक्टिस करके यहाँ से गई है, बांग्लादेश की टीम ने भी प्रैक्टिस की है। बड़ा ज़बरदस्त एटमोसफियर है, क्रिकेटिंग एटमोसफियर है, क्रिकेटिंग लवर्स यहाँ पर मौजूद हैं हमेशा से। ईडन गार्डन कलकत्ता का जो स्टेडियम है, आप मेरे बैकड्रॉप में देख लें कि सौरव गांगुली का होम ग्राउंड है। इस बैकड्रॉप पर जो जो अच्छी इनिंग्स खेली गई हैं, जिन प्लेयर्स ने, इंडियन प्लेयर्स ने खेली हैं, उनकी तस्वीर यहां पर लगाई गई हैं। मैच कल है, लेकिन शायकीन क्रिकेट यहां पर मौजूद हैं बहुत बड़ी तादाद में। आप देखें कि शायकीन क्रिकेट यहाँ पर मौजूद हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, हमने भी बहुत सारे फ़ैन से बात की है, उस वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगा। पाकिस्तान 2012 में, मैं ईडन गार्डन कलकत्ता में आया था, पाकिस्तान इंडिया का मैच मैंने यहाँ पर कवर किया था, हेड टू हेड सीरीज़ थी पाकिस्तान इंडिया की जो हमने यहाँ पे कवर की थी 2012 में। न्यू ईयर भी मैंने यहाँ पर की थी, 28 तारीख को हम यहाँ पर आए थे, 2 तारीख को ईडन गार्डन कलकत्ता में पाकिस्तान इंडिया का 2012 में, 2013 हो गई थी, 2012 में हम यहाँ पर आए थे और 2013 कन्वर्ट हो चुकी थी जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान यहाँ पर मैच था। उस मैच के बाद हम दिल्ली गए थे, दिल्ली में पाकिस्तान इंडिया का एक मैच था, 5 मैचेस की वो सीरीज़ थी, 14 साल का वक्फा था पाकिस्तान इंडिया की बायलैटरल सीरीज़ में जो कि ख़त्म हुआ था 2012 में। तो अब पाकिस्तान टीम दोबारा से यहाँ पर आई है, 2016 में भी पाकिस्तान टीम यहाँ पर आई थी। अब एक्सपेक्ट किया जा रहा था कलकत्ता के क्राउड की तरफ से कि शायद पाकिस्तान पीछे से जीत कर आएगी और ईडन गार्डन कलकत्ता को एक बड़ा मैच होस्ट करने के लिए मिलेगा जहां पर बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, बहुत ज़्यादा लोग होंगे, लेकिन यहां पर बताया जाता है कि बांग्लादेशी क्राउड बहुत ज़्यादा होगा, कल बांग्लादेश टीम की सपोर्ट यहां पर होगी, पाकिस्तान टीम का भी सपोर्ट होगा, सपोर्टिंग क्राउड होगा पाकिस्तान टीम के लिए भी, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होगा। कुछ फ़ैन से हमने बात की है, बाबर आजम के फ़ैन हैं, मोहम्मद रिजवान के फ़ैन हैं, शाहीन शाह आफरीदी के फ़ैन्स हैं, और जो बाबर आजम का मैसेज लीक हुआ है उस पर भी मैं कहता हूँ कि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा क्रिकेट को लोग फॉलो करते हैं। पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है, किस टीवी चैनल के ऊपर बाबर आजम के हवाले से, शाहीन आफरीदी के हवाले से क्या चल रहा है, सबको मालूम है। मैंने कुछ फ़ैन से बात की है, इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा जो फैंस क्या कहते हैं, पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान प्लेयर्स का सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तानी प्लेयर्स को क्यों लाइक करते हैं, और बाबर आजम की जो कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है, जो ट्रॉल किया जा रहा है बाबर आजम को, उस हवाले से भी फैंस बड़ा नॉलेज रखते हैं और उन्होंने अपने जो वीडियोस हैं, जो हमारे साथ बातचीत की है, उसमें तमाम चीज़ों का इजहार ख्याल किया है। इस वीडियो में आप उन फैंस के मैसेजेस भी सुनेंगे जो कि बाबर आजम और पाकिस्तान टीम के लिए हैं। ईडन गार्डन कलकत्ता से बराह रास्त में आपके साथ बात कर रहा हूँ, ये क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल है, आप पीछे देखें कितना खूबसूरत ग्राउंड है। इस ग्राउंड के अतराफ में क्रिकेट नेट्स लगे हुए हैं, ये भी मैंने आपको बताया था, बिल्कुल हर चीज़ रवा दवा है। ये रोड है, ये रोड साइड है, कोई रोड बंद नहीं हुई, पाकिस्तान टीम भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आई, अच्छी सिक्योरिटी, अच्छे इंतज़ाम, और वैसे ओवरऑल पूरे इंडिया टूर में हमने जहाँ जहाँ ट्रैवल किया बड़ा अच्छा, हमें बहुत अच्छा लोगों की तरफ से रिस्पांस मिला,
कलकत्ता भी हम पहुँचे तो लोगों की तरफ से हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, बहुत अच्छा एटीट्यूड, बड़ा वेलकमिंग एटीट्यूड, बड़ा वार्म वेलकम लोगों की तरफ से हमें किया गया और पूरा टूर हमारा गुजर गया। और जिस जिस से हमने बात की, जिस जिस को हमने बताया कि हम पाकिस्तान से आए हैं, लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से हमें ट्रीट किया। आप इस वीडियो में देखें कि जो शाइकी ने क्रिकेट है, जो क्रिकेट लवर्स हैं भारत में, वो पाकिस्तानी टीम के बारे में क्या सोच रहे हैं। कल मैच बहुत अच्छा होगा, कल पाकिस्तान टीम कमबैक करेगा, बाबर आजम कल अपना ईडन में पहला सेंचुरी करेगा इंडिया में। बाबर को जिस तरह उसके पीछे लगा गया पाकिस्तानी मीडिया लोग, इस तरह ट्रोल किया जा रहा बाबर आजम को, हम लोग इंडिया में रह के बाबर आजम को बहुत सपोर्ट करते हैं। बाबर आजम जिस तरह अपना टीम को लेके गया 2016 में, जब टीम को संभाला था उस टाइम पाकिस्तान टीम नंबर 9-8 पे था, जब से बाबर आया तब से अपना टीम को नंबर 1 पे पाकिस्तान को पहुंचाया। आज पाकिस्तान का बुरा वक्त है, इस तरह बाबर आजम को पाकिस्तान में ट्रोल किया जा रहा है, वहाँ के मीडिया लोग इस तरह बाबर को ट्रोल, अभी बाबर को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। इंडिया में बाबर को मानने वाला बहुत है, अकल इंशाल्लाह बाबर आजम पाकिस्तान के लिए पूरा पहला सेंचुरी ईडन में करेगा। सबसे अच्छा लगता है शोएब जी का, बहुत अच्छा लगता है, और वो अपना पाकिस्तान का इतना हकीकत बात बोलता है, इससे ज़्यादा हकीकत बात मेरे को लगता नहीं कि कोई चैनल करता है। पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस इस तरह की क्या वजह, आप लोग यहाँ पे इंडिया में बैठ के क्या देखिए, वो एक ज़माना था जब वसीम वाकर जब खेलते थे और उस टाइम का पाकिस्तान एक अलग चीज़ हुआ करता था। आज शायद कुछ आप लोगों का अंदर ही बात है, जो हमारे बोर्ड में भी ऐसा ही हुआ था एक टाइम पे कि हम लोग भी कुछ, हम लोगों का टीम में भी कुछ तितर बुतर हुआ था, हम लोगों का भी ऐसा हालत है। आज हमारा इंडियन टीम बहुत ही बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। मैं हम तो चाहते हैं कि हम टिकट के लिए 5 तारीख का टिकट के लिए आए थे, मगर मेरा होगा नहीं है कि नहीं होगा, कितना इतना टिकट का कीमत है और ऑनलाइन बहुत ही ब्लैक में हो रही है और ये होना नहीं चाहिए था। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, टीवी तो है, अल्टीमेटली हम टीवी में अपना हमने तसल्ली उसी में ही उठा लेंगे, मगर आपसे मिलने का मेरा बहुत ख्वाहिश था। आप बहुत अच्छा रिपोर्टर है पाकिस्तान के लिए, अपना हकीकत भी उलझाते हैं आप, चाहे इंडिया जिस तरह इंडिया परफॉर्म कर रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान उस तरह परफॉर्म करे, इंशाल्लाह करेगा। थैंक यू वेरी मच। हाँ बेशक आप आउटसाइड चांसेस हैं पाकिस्तान के, अगर आप रियलिस्टिकली बोलेंगे तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैथमेटिकली पाकिस्तान अभी बाहर नहीं हुआ है। अभी पाकिस्तान 3 मैच अगर अपना जीतता, अगर 3 मैच पाकिस्तान अपना जीतता है और उनके फेवर में न्यूजीलैंड के रिजल्ट होते हैं, न्यूजीलैंड अगर 3 में 3 हारता है तो पाकिस्तान को डायरेक्ट सेमीफाइनल में चल जाएगा, लेकिन अगर न्यूजीलैंड 2 मैच जीतता है और 1 हारता है तो फिर नेट रन रेट पर बात आएगी। तो अभी भी आउटसाइड चांस हैं बेशक, तो हाँ बाबर आजम और रिजवान से मुझे बहुत उम्मीदें हैं कल, और पूरे वर्ल्ड कप में थी स्पेशली बाबर रिजवान से, फकर से, लेकिन फकर आउट ऑफ फॉर्म थे पिछली 11 इनिंग में, इसी वजह से वो खेल भी नहीं पा रहे थे, उनका इंजरी का ही मसला था, लेकिन बहुत उम्मीदें हैं बाबर रिजवान और साहिन से। बॉलिंग क्लिक नहीं कर पा रही, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला अगर वर्ल्ड कप में कोई है तो वो बॉलिंग है, इतना वीक बॉलिंग लाइनअप पाकिस्तान की पिछले कभी नहीं थी, इतनी वीक बॉलिंग लाइनअप नहीं थी, स्पिन का भी मसला है पाकिस्तान में, पेस में भी साहिन अफरीदी को ऊपर से विकेट नहीं मिल रही है, ये भी पाकिस्तान के बहुत बड़े मसले हैं। हालांकि पाकिस्तान ने रन किए हैं, बेशक बहुत ट्रोलिंग हो रही है, अब हम बहुत ट्रोलिंग हो रही है बाबर आजम की, और 2-3 बातें और मैं कहना चाहूँगा, जो कल ARY न्यूज़ पे स्क्रीनशॉट दिखाया गया वो बहुत ही मतलब डिस्टर्बिंग था, वो ऐसा नहीं होना हो सकता, एक प्रोफेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकता। आप अपने कैप्टन को मतलब प्रेशराइज कर रहे हैं, ये मतलब तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और इस तरह से आपके प्लेयर डिमोटिवेट होंगे, आपको इनकरेज करना चाहिए प्लेयर को। इंग्लैंड की भी हाल इसी तरह का है, लेकिन इंग्लैंड के कोई भी मतलब जो उनके बोर्ड में हैं वो उनका बयान कभी नहीं ऐसा आया, लेकिन पाकिस्तान में जक अशरफ साहब ने दो इंटरव्यू कर दिया, एक शोएब जट से और एक और इंटरव्यू किया, दोनों इंटरव्यू में बोल रहे हैं कि हम इसका मतलब उन्होंने तो राशिद लतीफ के झूठ का जवाब दिया। जी बिल्कुल आप कह सकते हैं झूठ का जवाब दिया, लेकिन वो झूठ का जवाब आप स्क्रीनशॉट दिखा करके नहीं दे सकते, वो ARY ने दिखाया, ARY ने दिखाया, लेकिन बोर्ड से इसका ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी बोर्ड ने जितने भी पाकिस्तानी मीडिया, इवन मैं शोएब जट के बारे में कहूँगा, जक अशरफ ने शोएब जट से इंटरव्यू जो किया, आपको पता है शोएब जट पिछले 4-5 दिन से जब से पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से हारी है तब से वो नए नए लतीफे सुना रहे हैं कि उनकी लड़ाई हो गई, रिजवान लॉबी कर रहे हैं कैप्टेंसी के लिए, साहिन साहब लॉबिंग कर रहे हैं, इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही है और शोएब जट के थ्रू, और शोएब जट बोल रहे हैं कि ड्रेसिंग रूम में लड़ाई हो रही है, और उस बंदे को आप इंटरव्यू दे रहे हैं, इससे क्या पैगाम जा रहा है अवाम में? हाँ सर, मुझे लगता है कि पाकिस्तान कल सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, कल पाकिस्तान ऐसा कमबैक करेगा कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम दोनों को ही
100 मिलेगा, चाहे बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान 200 भी कर सकते हैं। और कल शाहीन अफरीदी और मोहम्मद रौफ, मतलब रौफ को, इन दोनों को बहुत बढ़िया विकेट मिलेगा, मतलब उन दोनों ही पूरा टीम को आउट करके निकाल देगा कल एक ओवर में ही। ईडन गार्डन कलकत्ता से आप देखेंगे शायकीन क्रिकेट यहाँ पर मौजूद हैं, मैच कल है लेकिन लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं क्योंकि दोनों टीमें प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर आई थी। ये कोई लोग बाबर आजम को देखने आए थे, कुछ लोग ये विराट कोहली को देखने आए हैं। ये देखें जी, मैच इंडिया का 5 तारीख को है लेकिन टिकट्स लेने के लिए लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनको टिकट्स नहीं मिल रहे। कल का मैच भी मुश्किल है कि इनको कल भी हाउसफुल है, कुछ लोगों का टिकट हो चुका है, कुछ लोगों को टिकट नहीं मिला। ये बांग्लादेश टीम के सपोर्टर हैं, ये बांग्लादेश, ये देखें जी बांग्लादेश का यूनिफॉर्म इन्होंने पहना हुआ है। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों टीमों का बड़ा सपोर्टिव क्राउड कल यहाँ पर होगा, एक इंटरेस्टिंग मैच होगा। ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैच होता अगर पाकिस्तान अच्छी फॉर्म में होता, पाकिस्तान पीछे से मैचेस जीत कर आया होता तो कलकत्ता का ईडन ग्राउंड कुछ और उस वक्त दिखा रहा होता, लेकिन अब चूंकि पाकिस्तान उनका बात अलग है, उनका कोई स्पिनर नहीं है, कोई बॉलर अच्छा नहीं बोले, पाकिस्तान कुछ नहीं है इसमें भी। बैटिंग पाकिस्तान की अच्छी हम मानते हैं किंतु अब यहाँ पे पता है हमारा कुलदीप यादव जो बॉलिंग करे कल देखे होंगे, अच्छा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नवाज क्यों ना ऑलराउंडर है, तब भी बाबर पता नहीं क्या सोच रहा है, पता नहीं चल रहा। शादाब है, शादाब तो खाली फुल टॉस। नवाज क्या उसका नाम, कल उसामा को बोला चलो भाई उसामा को ट्राई कर, फुल टॉस। अब बार को ट्राई करना चाहिए, इब्रार को नहीं करेगा बाबर, बाबर तो बोलता है उसको नहीं खिलाना, मेरे को नहीं चाहिए बाबर को। आप देखेंगे इंडियन फैंस हैं और इनको क्रिकेट का कितना नॉलेज है कि हर टीम को ये फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ पे जुनूनी क्रिकेट है, हमारे इंडिया में खाली क्रिकेट ही, हमारे पाकिस्तान में भी जमान को खिलाना चाहिए, जमान को खिलाना चाहिए। बांग्लादेश का जो हाल है, सकीब अपना घमंड में, यहाँ पे बाबर अपना घमंड में, हमको ये तमीम इकबाल को कैसे खिलाया नहीं, तमीम इकबाल को खिलाया नहीं, वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर है तमीम इकबाल को खिलाया नहीं, और ऐसे इमाद वसीम जैसे बढ़िया ऑलराउंडर बैटर खिलाया नहीं। इमाद वसीम को खाली लिख खेलेगा वो, 4 ओवर का भाई, इमाद वसीम 5 प्ले का बॉलर है, मैच देखा था वसीम T20 के लिए भाई। आपने आर्यन दत्त का बॉल देखा है, आपने आर्यन दत्त का बॉल देखा है नीदरलैंड का, वैसे ही इमाद वसीम है। मोहम्मद आमिर एक्सपीरियंस बॉलर है, लेकिन सुनिए सरफराज जो बंदा था ना वो सैक्रिफाइस करता था अपने आप को, नहीं खिलाता था वो, दूसरे बंदे को चांस देता था। सरफराज को कैप्टन बनाना चाहिए क्योंकि वो अटैक करता है और वो अटैक करके विकेट लेने का सोचता है, और बाबर विकेट लेने का नहीं सोचता, वो किसी तरह बॉलिंग कंप्लीट हो जाए वैसे सोच रहे भाई। सब सब सबके कंट्रीब्यूट आता है, ये देखें दोनों टीमों के फैंस यहाँ पर मौजूद हैं। नहीं नहीं हम लोग बाबर का फैन हैं, पाकिस्तान का देखते हैं, पर अब इंडिया को सपोर्ट कर, हमारा इंडिया हमारी टीम, इंडिया टीम में गया जैसे शमी को खिलाए थे हम लोग, का दूसरा शमी को क्यों नहीं खिलाए, शमी जैसे 9 विकेट लेके चला, 9 विकेट लेके दो मैच बॉलर है वो, एग्जैक्टली उसको पूरा मैच। आप देखिए आप शाहीन को देखिए, 4 ओवर करता है, 4 ओवर हाँ पर ऐसे करें उसका डिसेवेंस चला जा रहा है, बार जो चोटी लगो वो इंजर्ड है, उसको शमी खिलाया जाए, वो इंजर्ड है। शाहीन का कहना है अगर शाहीन का एक उंगली फ्रैक्चर है फिर वो खेल रहा है, शाहीन इंजर्ड है, अगर एक ओवर में विकेट नहीं मिलता है फास्ट बॉलर का ये है, शाहीन को अगर एक ओवर में विकेट नहीं मिलता है बाबर चाहता है मैं अपनी टीम को खिलाऊंगा, मैं पैसे बढ़वाऊंगा, बड़ी जबरदस्त बात कर रहे हैं, ये बड़ी जबरदस्त बात कर रहे हैं, फैक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, फैक्ट के ऊपर ठीक है। देखिए देखिए वो बात कर रहे हैं, वो बाबर जो आप भी सोचो भाई, आप एक बार सोचो, हरीश रोव इतना मार खा रहा है, इतना मार खा रहा है तब भी खेल रहा है, मार खा रहा है वो। एक पॉइंट कह रहे हैं कि बाबर ने दोस्ती निभाई, बाबर फ्रेंडशिप कल्चर को फॉलो कर रहा है, तो ये बताएं कि ये 15 में से कौन डिजर्विंग नहीं था जिसको बाबर ने लाया, कौन से ब्रेड हाइडन, कौन से मुर्थैया मुरलीधरन और सीन वान को डोमेस्टिक में पाकिस्तान छोड़ करके आ गई, कौन डिजर्विंग नहीं है ये बताएं, कोई भी एक प्लेयर का नाम बताएं जो डिजर्विंग नहीं है और जो 15 के स्क्वाड में। देखिए जी ये दोनों बहुत ज्यादा क्रिकेट की नॉलेज रखते हैं, बड़ा डीपली नॉलेज है भैया, थोड़ा सा आपको सुनना जी, आपका चेयरमैन ना घर में बैठा रहता है, वो जाता नहीं है फील्ड में, हमारे इधर के सब छीड़, जैसे हमारा अभी बेस्ट चेयरमैन का काम फील्ड में, सुनिए ना हमारा चेयरमैन भाई और प्लेयर है, काम सिलेक्टर है, क्यों नहीं बैठे, इंतजाम बोल रहा है, सुनिए ना इंतजाम क्या बोल रहा है, ड्रॉप होने वाला प्लेयर नहीं था, कौन
आप एक सोचिए भैया। नहीं भाई कंट्रोवर्सी है, पता है सरफराज के बाद जो कैप्टन था वो इमाद वसीम ही कैप्टन बनना था, पता है उन लोगों को। आप सुनिए, मैं एक पॉइंट ऐड करूंगा। जब इमाद वसीम ना क्या बोलते, सुनिए ना, जब श्रीलंका प्रीमियर लीग हुआ ना, ये क्या कह रहा है इंजमाम, सुनिए सर, एक सेकंड वन मिनट, इंजमाम क्या कह रहे हैं, इंजमाम ने बोला है, इंजमाम बोल रहा है क्या, हसन अली की लंका प्रीमियर में बेस्ट है, किंतु इमाद वसीम की नहीं, इमाद वसीम तो खेला ही नहीं डोमेस्टिक, क्यों खेला इमाद वसीम को? सर ये गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं, देखिए सर ये गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। हसन अली की वजह क्या, देखिए सर हसन अली की वजह क्या, जो नहीं जानते मैं अच्छे से डिप्लोमा, हसन अली को आने की वजह यह है कि पाकिस्तान का वो चौथा पांचवा बैकअप था, पाकिस्तान का फर्स्ट बैकअप इहसानुल्लाह वो भी इंजर्ड था, पाकिस्तान का सेकंड बैकअप ये हसनैन वो भी इंजर्ड था, नसीम शाह तो सबसे बड़ा बॉलर है आपका, नसीम शाह पाकिस्तान का एक सबसे कंप्लीट बॉलर है, वो साइंस से ही बड़ा बॉलर है। सॉरी सर, और एक पॉइंट और ऐड करूंगा, जमान को भी डालना चाहिए था, जमान को और अबरार को, अबरार एकदम हकता, अबरार हकता, अबरार का पूरा हकता, जमान को देना चाहिए था। जमान की सर फर्स्ट ओडीआई क्रिकेट में उनकी कोई भी उनका ये डोमेस्टिक में कोई परफॉर्मेंस नहीं है भाई, वो T20 के दो ओवर से वो ओडीआई वर्ल्ड कप में नहीं डाल सकते सर, और ऐसे बैठ के प्लेयर नहीं पकता, वो खेलेगा तब उसके बाद एक्सपीरियंस आएगा वो ऊपर लेवल पे। आप रोहित शर्मा को देख लो 2007 से वो कितना निखरा, वो खेल खेल के निखरा। एक मिनट, बाबर का प्रॉब्लम क्या है ना, वो पहले बात तो वो अपने टीम प्लेयर से डिस्कशन नहीं करता, टीम में बात कर रहा हूँ, वो जब बोलना चाहता है, वो जब बोलना चाहता है ना, तो जैसा लास्ट मैच के मैं बता रहा हूँ, जब वसीम जूनियर से बोला कि तुम बॉलिंग छोड़ दो किसी और को देता हूँ, तो वो खुद बाबर का नहीं सुन के वो बॉल लेके बोला कि नहीं मैं खुद करूंगा, तो जब कैप्टन का नहीं सुन रहे तो वो कैसे कर? हम लोग का इंडिया टीम में देखिए रोहित शर्मा का, आप पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस को एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसे के सिलेक्टर, देखिए एक्सपेक्ट किया ना, मैं बता एक मिनट, मैं बता रहा हूँ, देखिए एक मिनट उम्मीद, देखिए यहाँ दोस्ती नहीं चलेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो गया कि अभी करो या मरो वाला फैसला हो गया, ठीक है ना, अभी देखिए सब कोई श्रीलंका भी टॉप में, इनसे ऊपर में पाकिस्तान से, तो अभी हाँ ठीक है ना, दोनों अगर सिर्फ आप पाकिस्तान का देखते रहिएगा तो ये दोनों का कब देखिएगा, ये दोनों का भी तो रन रेट इससे अच्छा है ना, चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेल पाएंगे। और इंजमाम क्या कर रहे हैं, इंजमाम बैठ के सिर्फ 25 लाख रुपया गिन रहे हैं, 15 लाख रुपया पहले लिया तो बोला कि मेरा इससे कुछ होने वाला नहीं है, 10 लाख रुपया और बढ़ाओ 25 लाख रुपया। T20 में रिजवान को ओपनिंग करा रहा है, वो तो खेलता है रन ऑफ बॉल, T20 खिला रहा है, अब जा रहा है क्या, किसके पास जा रहा है, शान मसूद के पास कैप्टेंसी के लिए जा रहा है, पूरा मटेरियल चेंज करना पड़ेगा, शौहद शकील को ना, शौहद शकील को ऊपर खिलाइए सर, ठीक है, मैं अपना वीडियो को क्लोज करता हूँ, बड़ा बहुत अच्छी डिस्कशन हुई है। देखिए सर, जो पाकिस्तान की बैड परफॉर्मेंस है उसकी वजह सबसे बड़ी है, जो सब मिस कर रहे हैं उसकी सबसे बड़ी वजह है जो PCB ने ODI क्रिकेट को मतलब सीरियस नहीं ले रही है, पिछले चार साल में पाकिस्तान ने नीदरलैंड के बाद सबसे कम ODI मैचेस खेले हैं, तो ये सीरियसनेस है PCB का, और वो भी जो भी आप 28-29 चार साल में ODI खेले उसमें से ज़्यादातर ऐसी टीमें थी जो उनकी सेकेंड स्ट्रेंथ टीम थी, इवन इंग्लैंड, इवन इंग्लैंड जब पाकिस्तान गया था भाई, शांत हो जाए भाई, और अभी वर्ल्ड कप में जो परफॉर्मेंस हुई वो आपने रेगुलर ODI सीरीज रखा नहीं, इस वजह से इसी वजह से आपके प्लेयर को गेम टाइम भी नहीं मिला और ना ही अपने प्लेयर को नया चांस दिया, अबरार को आप पहले चांस देते लेकिन आपके पास तो मैच ही नहीं था, और वही वाला ब्लंडर आप फिर कर रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप के बाद अगले 13 महीना पाकिस्तान का कोई ODI मैचेस नहीं है, उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी से सिर्फ 2 महीने पहले आप 3 सीरीज खेलेंगे और फिर रोना धोना स्टार्ट कर देंगे कि हमारी टीम की परफॉर्मेंस क्या है, तो ये सीरियसनेस है, यही वजह हमारी टीम की परफॉर्मेंस नहीं है। आप ईडन गार्डन कलकत्ता से मैं इस वीडियो को क्लोज करूंगा, बहुत अच्छी डिस्कशन हुई है, बड़ा जबरदस्त ये क्रिकेट का इंफॉर्मेशन रखते हैं इन्होंने, सही बताया कि क्रिकेट के अंदर इस वक्त क्या मसाइल है पाकिस्तान की। अब्बास शबीर को ईडन गार्डन कलकत्ता से इजाजत दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।